of educated people. This really matter of honor. Sir is with us on this proud occasion. Yesterday there was an earthquake, and at SDH Vijbehara, our doctors, paramedic staff, they were performing their duties, and due to their dedication, we have seen today both mother and baby are safe. This is greatest effort and greatest achievement which our medical fraternity, which our staff has done yesterday. Hats off to them. Now I present a bouquet to Director Saab. अब मैं एक मिनट से बिना किसी भी अब मैं चाहता हूँ डॉक्टर नसीर अहमद आप खुद भी मोहम्मद अफजल जावेद अहमद बच्चू हाँ सीएम साहब आप भी वेरी गुड गुल मोहम्मद सफाई वाला जूनिट एवेलेबल कामुमकिन डेडिकेशन आई सल्यूट देयर करेज एंड आई हैव कम पर्सनली अलॉन्ग विद सीएमओ डीएमओ एंड अवर एजी डॉक्टर आसिफा जी एंड वी केम फ्रॉम श्रीनगर फॉर दिस थिंग ओनली आई वॉन्ट टू सल्यूट देम आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट देम दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस जैसा कि आपने देखा कि रिसेंटली जो टर्की में एक ऐसा ही सानिया हुआ था अर्थक्वेक हुआ था लोग बहुत डरे हुए थे लोग बहुत सहमे हुए थे कोई अपने फाइव स्टार बिल्डिंग से भी बाहर आया था वो आंगन में था लेकिन मेरा डॉक्टर मेरी नर्स हमारा पैरामेडिकल हमारा सफाई वाले से लेकर इवन इनके एचओडी तक डॉक्टर्स पैरामेडिकल्स एनेस्थीसिया surgeons everybody was there and without caring for their own life they have saved precious two lives right sir jo bhi hai ye hota hai sachcha bachcha ye do jaane hoti hai aur sabse acha jo mujhe laga ki ye saath saath usko counsel kar rahe the koi ghabrane wali baat nahi hum aapke saath hai kuch nahi hoga wo aapne note kiya hoga aur jisne bhi ye video liya pura usne jo patient ki privacy ko maintain kiya tha I appreciate their work. I salute them.
Sir, any words of encouragement for the CMO, BMO and all the officers? जब ये सिस्टम तभी चलता है जब ये पूरा इनको यहाँ थिएटर था, यहाँ थिएटर के हमारा लास्ट टाइम ही कोई बैकअप में परेशानी आ रही थी, वो भी ऑलरेडी हमारे सीएमओ साहब और डीएमओ साहब ने मिलके यहाँ वो ठीक किया था, पावर बैकअप भी था, जो हमारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स वो भी बराबर थे, जो हमारा ब्लड बैंक जिसकी अशद जरूरत बहुत जरूरत होती है ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम वो भी मेंटेन था, ये तो पूरा इन्होंने मेंटेन किया था। इसके बाद जो हमारे ये ग्राउंड सोल्जर्स है इन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि डॉक्टर अपनी जान की परवाह नहीं करता, मेरा पैरामेडिक अपनी जान की परवाह नहीं करता, हम अगर परवाह करते हैं पेशेंट की परवाह करते हैं। एंड आई सल्यूट देम, आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट एंड करेज। सर, एनी वार्निंग टू द नॉन परफॉर्मिंग ऑफिशियल्स? नहीं, देखिए आपने देखा होगा कि एलजी सरकार में नॉन परफॉर्मिंग ऑफिसर के लिए कोई जगह है ही नहीं, चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो, निचली लेवल का या ऊपर लेवल का। हमारे को आए दिन आते हैं कि बड़े सारे लोगों को हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ काम करना है, जो काम करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। सर, हेल्थ केयर के हवाले से लोगों तक कोई खास पैगाम या आखिरी सवाल? खास पैगाम यही है कि आज आपने देखा कि फ्लू जो बढ़ता आ रहा है, हालांकि जो ये इन्फ्लुएंजा ये तो होता ही है, दिस एन एंडेमिक एरिया फॉर दैट। यहाँ हर साल देखते हैं सर्दियों के बाद जो मौसम चेंज हुआ एलर्जिक वो भी सिस्टम से, तो लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, लोगों से यही गुजारिश रहेगी मास्क, हैंड हाइजीन और गैदरिंग में जिस तरह आज हम आए हैं उस टाइम में मास्क लगा के रखे, हैंड हाइजीन रखे, थोड़ा सा डिस्टेंस रखे, अगर सिम्टम्स है गर्म पानी पिया करें, रेस्ट ले ले, जो भी डॉक्टर अगर ज्यादा लगे तो डॉक्टर की सलाह ले, अब ये थोड़ा सा काम होने लगा है, यही ये गुजारिश है कि वो अपना ख्याल रखे, बाकी गवर्नमेंट उनके ख्याल के लिए है। सर, अनंतनाग टीबीपी करार दिया गया है, इस हवाले से बताइए। देखिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर फहीम साहब जो यहाँ है मौजूद है, आज हमारा बड़गाम में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आवर कंट्री जो टीबी फ्री हुआ, उसके बाद हमारे और दो डिस्ट्रिक्ट कश्मीर जो यूटी आप जेएनके में दो डिस्ट्रिक्ट और पुलवामा और अनंतनाग जिसको टीबी फ्री करार दिया, और इंशाल्लाह 25 तक यहाँ पूरा हमारी यूटी टीबी फ्री होगी। और ये हम सब के लिए, आज हमें 3 अवार्ड मिलने को है, कल हमारे सेक्रेटरी साहब वहाँ जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, हमारे जो ये डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर्स वो जाएंगे वहाँ, खुद प्रधानमंत्री जी अपने हाथ से फेलिसिटेट करेंगे, और उनका काम सराहा गया थ्रू आउट इंडिया। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि डायरेक्ट साहब खुद आए, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमने कितना बड़ा काम किया है और वो कितना कंसर्न है हमारे काम से, वो कितना देखते हैं हमारे डिपार्टमेंट को, कितना सराहते हैं हमारे काम को। एंड ही इज अप्रिशिएटिंग एंड वी आर हैप्पी, दिस इज अ प्राउड एंड हैप्पी मोमेंट फॉर दी पीपल दैट वी आर ऑनर्ड बाय आवर डायरेक्टर साहब एंड सीएमओ साहब। थैंक यू। दिस इज नॉट ओनली बिग अचीवमेंट, मतलब सर का यहाँ आना तो बिग अचीवमेंट है, बट जो कल का ये सारा एपिसोड था ये तो सारा टीम वर्क था हमारा जो भी ओटी में था। मैम, आपकी एप्रिसिएशन जब होगी तो आप खुश हो गए? जी सही, हाँ मैं तो खुश हो गई। जी, बड़ी अचीवमेंट है मैम, डॉक्टर्स को फेलिसिटेट किया गया। ये तो है ही बहुत बड़ी अचीवमेंट, इसे मतलब अगर किसी को ये दिया जाएगा कि यू हैव डन गुड, दे विल डू गुड। आपको मैंने बैठा बारे चाहिए डिसीजन आपको मिली है, थोड़ा ऊंचा बैठ बैठ। फर्स्ट प्रायोरिटी है पेशेंट की है, और हम उसकी वजह से बहुत खुश हैं कि हम तो सक्सेसफुल हैं, इसी वजह से हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पेशेंट की है। थैंक यू।